मुझे कारण हम लोग करते हुए और मुझे गाजीपुर में शूटिंग करने का मौका मिला। आदरणीय हरीश हमारे बात को अध्यक्ष माननीय गांधी जी का धन्यवाद कर लो। आमतौर से एक साहित्यकार को लेकर के हिंदी समाज है, मैं नहीं समझता कितना ज्यादा उत्साह और कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। मैं जब यहाँ बैठा था तो मुझे याद आ रहा था कि आपके बगल में बनारस जैसा शहर है और एक बड़े उपन्यासकार थे जिनको उसी वर्ष साहित्य अकादमी मिला था और उनका वो एक्चुअल प्रोफेसर भी थे। शिव प्रसाद सिंह के नाम को नहीं लेना चाहता था, ले लिया मैंने। तो शिव प्रसाद जी को ढूंढते हुए मैं और मेरे साथ दिल्ली के और एक अच्छे चेहरे यात्री थे, हम लोग उन्हीं के मोहल्ले में ढूंढते रहे और हमने सोचा कि इस साल को इतना साहित्य अकादमी मिला है इससे मोहल्ले में है, इसके आसपास कहीं पूछेगा मॉडल उनका घर काटे जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक पान वाले को ये याद आया कि हम पान खाते हैं तो पान पर बाहर चले जाते हैं, जब मस्ती जाते हैं तब को उसे याद आया तो उसने उनका घर बनाया। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा लेकर जिसे अभी अभी साहित्य अकादमी मिला है एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के तौर पर जिसे जानते हैं, अगर उसकी हैसियत है अपने समाज में तो फिर इस भाषा में रचने से इस भाषा में लिखने से किसको बहुत गौरव होना चाहिए। ऐसे एक समय हरीश जी का जो कार्यक्रम मैंने देखा, जितना जितनी भागीदारी जितनी तल्लीनता जितनी समझदारी की बातें, मुझे लगता है कि ये एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति की उपलब्धि है वास्तव से मेरे लिए। मुझे मैं जब बता था तो एक बार आपको शायद पता होगा कि मराठी लेखकों का हर साल एक कार्यक्रम होता है साहित्य सभा, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो कहते हैं उसमें पुस्तक यात्रा निकलती सर पर जिस तरह से मूर्तियाँ लेकर के बहुत सारे अर्जुन मामले निकलते देखते हैं उस तरह पुस्तक सर पर रख करके निकलती है और हर बार वो किसी न किसी महत्वपूर्ण लेखक को बुलाते हैं, अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं, दूसरी भाषाओं के भी बुलाते हैं और अपनी भाषा का तो खैर नहीं है। उसमें जब आपको भागीदारी देखिए तो आपको लगता है कि एक समाज कैसे अपने लेखकों को याद करता है, कैसे अपने लेखकों को रिकॉग्नाइज करता है, सम्मानित करता है, पहचानता है। और तब थोड़ा तकलीफ होती है कि हिंदी समाज ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्या मलयाली समाज, बंगला समाज, ये सारे ऐसे समाज ऐसी देश में है जहाँ पर लेखक एक विशेष उपस्थिति होती है। वो ऐसा नहीं है कि उस जिले का जो उस शहर में बिल्कुल कमेटी का चेयरमैन हो या उस शहर में जो कलेक्टर हो, कप्तान हो, उससे किसी भी तरह से लेखक की हैसियत कमतर हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर नहीं है इसे हम स्वीकार करें न करें। तो उसमें मुझे बहुत आनंद आया और मुझे लगता है कि हरीश जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कई दशकों से हरीश जी को की वजह से देखता था जो उनका जिस उनकी भूमिका की आप लगातार चर्चा की गई और इस भूमिका को खुद उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया रियाज कभी के रूप में पहचाने जाने के एक प्रचालक के तौर पर पहचाना जाना उन्होंने शुरू में स्वीकार किया। तो उस रूप में मैं बहुत साल में देख रहा इस बात के आरंभ में जहाँ हमारा घर था थोड़ी दूर में सूर था तो सूर जी का घर था तो सूर जी को भी संचालक के तौर पर हम लोग छात्र जीवन में देखा करते थे, बड़े आनंदित होते थे जिस तरह से वो चुटीले एक बात से बोलते थे जब लोग बुलाते के पहले। तो लगभग उसी तरह की एक शक हरी जी बनी जब मैंने मिश्रा जी के आय को देखा तब मैं सियासी में गाजियाबाद में था तब से उनको देख रहा हूँ, आज तक देख रहा हूँ और उतना ही जवाब देख रहा हूँ जितना सियासी सियासी भारत भारद्वाज और वो बेचारे चल नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा
आपसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वहाँ होटल तक जाते जाते मस्त हो गए, इनका असर मुझे नहीं आता है। तो हरीश जी का ये जो एक खास तरह का कैप्टन की उपस्थिति हुई थी, जो एक युवा उपस्थिति हमेशा दिखाई देती, और नीलिम और बहुत प्राथमिक बात कही, और मैं खुद भी इतना गवाहों को कही मिलों में जहाँ ये संचालन कर रहे थे, वहाँ सोचा के तौर पर मुझे भी मजबूत करने का मौका मिला कि आज जो सम्मेलनों के नाम पर एक खास तरह की ये क्या उसके लिए कहा जाए, प्रतिशत कहा जाए तो शायद बुरा लगे, जो सम्मेलन की कमी है चुटकुले बात चले बात यहाँ तक हर हो गई कि जबकि एक राजू श्रीवास्तव जैसे अभी आपने देखा होगा 8-10 साल पहले अचानक ये लोग आए टेलीविजन पर, तो वो सारे कभी गायब हो गए जिससे पहले हाथ से जंगलों के नाम पे आया करते, ये राजू श्रीवास्तव ही छा गए, यह एक हरियाणा के हैं, मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, और ये हिंदी में ही शायद है, क्योंकि हिंदी के साथ साथ एक दूसरी भाषा हमारी जो एक तरह से खड़ी बोली का एक रूप है, उर्दू ना ऐसी चीज मुझे बहुत कम दिखाई देती, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि उर्दू जो बड़े कवि के हैं वो भी तो सम्मेलन मुशायरों में जाते हैं, और मुशायरों के लिए जरूरी नहीं कि वो कोई घटिया चीज लिख के ले जाए, टुकड़े लिख के ले जाए, सत्य लिख के ले जाए, हिंदी में क्यों ऐसा हुआ कि हमारे बड़े कवि एक दौर है जिन्हें इलाहाबाद में किससे भी नहीं मिला रहा कि रहा करते थे, हरिवंश राय बच्चन तो बहुत सालों तक सम्मेलनों पर एक तरह से उनकी मनशाला छाई रहती थी, आज उसके कागज बनाया गया, तो ये ऐसा अचानक हुआ कि बड़े कवियों ने एकदम से मंच पे जाना छोड़ दिया, और अब ये दिनाथ मिश्र जैसे लोग थोड़ा बहुत संभाले हुए हैं, इसका एक स्तर बना हुआ है, लगता है कि हाँ कुछ चलता हम लोग जाए, नहीं तो कुछ दिनों बाद से जो एकदम से नई पीढ़ी दिखाई दे रही है और जिसकी तरफ हरीश जी ने इशारा भी किया, वो आएंगे तो हमें शर्म आएगी कि हम अपनी भाषा की कथाएं सुन रहे हैं, क्या कहाँ बैठे हुए हैं, हम ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारे बड़े कवि क्या है, दिक्कत ये श्रोताओं के साथ उतनी दिक्कत नहीं हुई, हमारे तथा कवि बड़े कवियों के साथ हुए, उन्होंने एक तो गीत और जो नयात्मकता थी, जो गीतात्मकता थी उससे छुटकारा पा गया, ऐसी चीजें लिखने लगे कि वो खुद ही जो कवि है वही श्रोता है, दिल्ली में बैठ कर उसे हम लोग आईटीओ कभी कहा करते हैं कि आईटीओ के यंत्र आगे आगे जमाते हैं और वही वो पहचाने जाते हैं, आप उस दिन कहिए जिनको पिछले 10 सालों में जिन्हें शायद राशन मिला हो ममता के क्षेत्र में, उनमें किसी को प्राय कहिए कि आप 55 लोगों के साथ में चल के आपको जनता को मालूम कर नागार्जुन का तथ्य थे, नागार्जुन एक्सप्रेस थे, इसमें नागार्जुन की हिम्मत का तथ्य थे, लेकिन आप किसी को भी जो भी जिनको आप ज्ञान भी दे रहे हैं, जिनको शायद राशि दे रहे हैं, वो अगर अपने अपनी जनता के बीच जाके चर्चा नहीं पढ़ सकते, गाजीपुर के चौराहे पर किसी पार्क के दुकान पर खड़े होकर चर्चा नहीं पढ़ सकते, तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर दिक्कत है, उनमें कुछ इतने अहंकार से भरे हुए हमारे इलाज कर ये कहते हैं कि श्रोताओं को अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए, श्रोता इस लायक नहीं हम उनके सामने चर्चा पड़ सकते, तो ये बात तो मानी नहीं जा सकती, आप अपने बीच में ये कह रहे हैं, मुझे तो एक अनुभव है, मैं आपको जानते होंगे, आप मुझे बोलो गए होंगे, जो कलकत्ता का पुस्तक मेला है वो एकदम अद्भुत होता है, मतलब उसको लगता आप देखेंगे नहीं, आप उसको यकीन नहीं करें, वो 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन होगी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लोग इससे डिसिप्लिन तरीके से शाम बढ़े चले जा रहे हैं, किताबों की दुकानों के बाहर क्योंकि अंदर साल में जगह कम होती है, तो किताबों की दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं लोग लाइन से, और जिसका जैसे जैसे चार लोग बाहर में चार हुए थे, हिंदी समाज में मुझे सिर्फ पटना में थोड़ा बहुत इसका आभार होता है, पटना के पुस्तक मेले में जाइए तो आपको थोड़ा बहुत वो लगेगा, बाकी कहीं ऐसा दृश्य नहीं होगा, मैं एक बार भूल नहीं सकता, मैं उस समय तक अभी विश्वविद्यालय में नहीं गया था, कलकत्ता गया मैं पुस्तक मेले में भाग लेने के लिए, तो
वो एक जगह में देखा कि एक आदमी छोटा सा एक जैसे प्लास्टिक के कोई कप टाइप की ये उठक करके और खड़ा होकर के खा रहा और फिर दो लोग उसके निर्णय वो उसके स्वर के स्वर मिला रहे मैं भी चकित हो गया देखने का ऐसा दृश्य हिंदी समाज में दिखाई नहीं देता भाई कोई जल्दी आ जाए उमर रफी किशोर कुमार लता मंगेशकर आया तो एक लोग इकट्ठे हो जाए पता चला वो जादवपुर विश्वविद्यालय से गुरुपत थे और बंगला के महत्वपूर्ण कवि थे और वो खड़े होकर के अपनी जनता पढ़ रहे थे और बाकी लोग उसके हड़ताल से ताल मिला रहे तो ये दृश्य तो हमारे हिंदी समाज के कभी मुझे नहीं लगता कि कभी हिंदी समाज इतना भाग्यशाली होगा तो अपने कभी वो समस्त जातियों पहचानने लगे या कोई कभी अपनी कविता पढ़ रहा है तो वो भी उसके साथ साथ बचपन का आपको याद होगा क्योंकि मुझे याद है बहुत सारे कवियों को हम लोग जैसे आज पाखरू में गुनगुनाना कहते हैं तो फिर भी गाने गुनगुनाते हैं उस तरह हम गुनगुनाते थे या दूसरों को सुनते तो गुनगुनाते वो सारे दृश्य हमारी स्मृति से खत्म होते जा रहे तो आज हरीश जी का गुंजन देख करके और हरीश जी का इस तरह का सम्मान देख करके ये तो समझ में आ रहा है कि इनकी सामाजिकता किस तरह जिम्मेदार है सिर्फ साहित्य जिम्मेदार नहीं लेकिन उस सामाजिकता को बढ़ाने में साहित्य का कितना योगदान है इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है तो अपने आप में मैं हरीश जी को बधाई देना चाहता हूँ एक ऐसा संस्कार की पैदा कर रहे शहर में इस छोटे से शहर में लेकिन शहर से बड़े बड़े लोग मिले हैं गुरेनाथ राय विवेकी राय सब आप यहाँ के बड़े नाम है उनको हम लोग पढ़ते रहे हैं आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा तो इस शहर में एक साहित्य के लिए अनुराग पैदा हो संस्कार पैदा हो सबसे बड़ी चीज को संस्कार पैदा जैसे सुनने में बड़े खुशी हुई कि जो संस्था है ये तो इसके साथ साहित्य और चेतना दोनों जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर कोई चेतना नहीं पैदा कर पा रहा तो साहित्य का कोई मतलब एक योजना ये भी है कि ये गाँव में जाना चाहते हैं मैंने सुना तो एकदम समझे याद आया कि दो जगह के मैं आपको देकर के बात खत्म करूंगा पंजाब में ये जाने का मौका मिला पंजाब में ये अलग अलग लेखक संगठन इस तरह के आयोजन करते हैं और वो किसी एक गांव में रात भर बैठ करके कहानियां सुनाते हैं और वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं भी एक पेशेवर कथाकार जो मजा वाला कथाकार है या जिसकी पहचान है वो अपनी कहानी खत्म करता है गांव के लोगों के बीच से उठ करके कोई कहानी सुनाने लगता है गांव वालों के पास बहुत कथाएं हैं वो शुद्ध परंपरा से चली आ रही है पूरी धनचुरी उन्होंने सुनी है उनकी स्मृतियों में है तो अगर इस तरह का एक माहौल बना सके कि आप गांव में जाए वहां बैठ करके आप अपना तो सुनाए उनका सुने और उनके संस्कार तैयार करें कि भाई उनके चुटकुले आने लगे तो वो बंद कर लेने की या कोई मुझ पर चुटकुला सुना रहा हो क्या भाई ये ठीक है आपको हम कभी भी रूप में सुनने आए हैं चुटकुले मत सुनाएं ये संस्कार पैदा करें मैं दूसरा उदाहरण राजस्थान का दे सकता हूँ वहाँ एक बात कोसी की परंपरा है कोसी नहीं कोसी छोटा सा बात कोसी जो है वो भी रात भर कहानियां सुनाने की परंपरा है एक व्यक्ति आता है वो एक कहानी सुनाता है फिर एक कहानी दूसरी कहानी निकल आती है तीसरी कहानी निकल आती है अचानक श्रोताओं में कोई उत्तेजित हो जाता है उत्साहित हो जाता है वो एक सूत्र पकड़ के फिर अगली कहानी शुरू कर देता है तो ये एक ऐसे संस्कार है जो जाहिर है कि कम समय में नहीं आते इसके लिए पूरी पीढ़ियां तैयार करनी पड़ती है लेकिन ये जिस तरह का सम्मान हो रहा है जिस तरह लोग भागीदारी है मुझे लगता है कि यहाँ पर संभावना है और हरीश जी जैसे लोग इसको कर सकते मैं हरीश जी को सुखाई होने की मेरी शुभकामनाएं हरीश जी सत्य रहे और किसी तरह भाव में कह सकें भाई ये भी तो 45 की इतनी भी जाए इनका जब मृत्यु जन्मे भी सब 45 की है तो उसी तरह आप मृत्यु के साथ चलते रहे और दूसरे सारे लोगों को अपने साथ लेते हैं बहुत बहुत आप ही याद है जी
हाँ भाई साहब